देखिए अभी उदयपुर के पहलू की बारी क्षेत्र में हम लोग हैं और यहाँ पर दो दिवसीय मेला जो है उसका पहला दिन है और वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। शाम का वक्त है इस वक्त और हल्की हल्की बारिश है। बारिश की वजह से दिन भर बारिश रहने की वजह से मेला पूरी तरह से टिका है, लेकिन व्यापारियों को ये उम्मीद है कि जो कल जो मेला है वो वापस नए मुकाम पर होगा और आज की जो पूर्ति है वो कल होगी। हालांकि ये व्यापारियों का जो उनकी तरफ से जो बात आई है वो ये है कि आज इतनी गराकी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए, कल की उम्मीद है। हालांकि दूसरी बात यह है कि इस बार लोगों में उत्साह थोड़ा कम नजर आ रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। वजह बारिश तो है ही, पता नहीं क्यों लोगों के मन से मेले का जो उत्साह है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि भीड़ तो उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, भीड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन शहरी के बनिस्पत जो ग्रामीण इलाकों के लोग वो इस बार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा है। क्योंकि इसकी ये वजह भी हो सकती है कि लोगों में कहीं कहीं शहरी लोगों में मेले को लेकर उत्साह कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण के जो लोग हैं वो अब भी इस मेले का उचित प्रकार से आनंद उठाते हैं। अभी देखिए हम शैली की बाड़ी से जो मुख्य गेट है उससे यूआईटी पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं। भीड़ लगातार देखी जा रही है, भीड़ का दृश्य है। अब भीड़ देख रहे जितनी नजरें जाएगी उतनी ही भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए भीड़ का आलम इस कदर है, भीड़ बहुत है। ये वो भीड़ है, इनका ध्यान रखता रहे। पहले की बारी से यूआईटी पुलिया की तरफ जो बढ़ने वाला जो मुख्य मार्ग के बीच का यह दृश्य दिखाई दे रहा है, आसपास का जो माहौल है वो आपको दिखाई दे रहा है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं किस प्रकार से माहौल मेले का बना हुआ है। पहले दिन का है, अनुमान है कि कल इससे भी ज्यादा भीड़ आएगी, लेकिन वो महिलाओं की, क्योंकि कल महिलाओं के लिए विशेष भीड़ है, विशेष भीड़ और खुशी को लेकर भीड़ होगी।